नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता अत्यंत पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन आ गया है। इसके साथ ही सावन का पवित्र महीना समापन की ओर अग्रसर है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल अर्थात 2021 में रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त रविवार के दिन मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल रक्षाबंधन पे भद्रा का साया नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्षाबंधन वाले दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, किस समय आप राखी बांध सकती हैं और किस समय पे आपको राखी बिल्कुल भी नहीं बांधनी है। सबसे पहले तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 अगस्त को ही शाम के 7 बजे से और ये रहेगी 22 अगस्त के शाम के 5:31 तक। अर्थात पूर्णिमा तिथि जो है वो 22 अगस्त को सारे दिन रहेगी। उद्याव्यापनी पूर्णिमा तिथि 22 अगस्त को ही होगी, तो रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन, जैसा मैंने बताया, इस साल के रक्षाबंधन पे भद्रा का साया नहीं होगा। तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आप कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। जैसे सुबह के 6:15 से शाम के 5:31 के बीच में, ये पूरे 11 घंटे 16 मिनट का मुहूर्त है, इस बीच में आप कभी भी राखी अपने भाई को बांध सकती हैं। परंतु जो सबसे शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है वो दोपहर का समय है। दोपहर के 1:42 से शाम के 4:18 तक का। वहीं दोस्तों, राखी बांधते समय ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय राहु काल ना हो। राहु काल में भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो 22 अगस्त रविवार के दिन राहु काल होगा शाम के 5:17 से 6:54 तक। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस साल रक्षाबंधन पे कई शुभ संयोग बन रहे हैं, तो सबसे पहले इस साल शोभन योग बन रहा है और शोभन योग 22 अगस्त को सुबह के 10:34 तक रहेगा और किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए शोभन योग को अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। वहीं 22 अगस्त रविवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र होगा, जिसके स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का अपने भाई बहन के प्रति विशेष प्रेम होता है। इसीलिए रक्षाबंधन का इस नक्षत्र में पड़ना भाई बहन के आपसी प्रेम को बढ़ाएगा। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको करना क्या है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा होती है। स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ का ये दिन होता है। ये दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इस दिन बिल्कुल भी आप देर तक ना सोएं। सुबह सवेरे जल्दी उठें, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करके अपने प्रवेश द्वार को जरूर इस दिन सुसज्जित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आती है। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है, तरक्की होती है। तो अपने घर के प्रवेश द्वार पे हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, रंगोली बनाएं, प्रवेश द्वार पे गंगा जल का छिड़काव करें, अपने बड़ों का इस दिन आशीर्वाद जरूर लें। उसके बाद आप अपने पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करके इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें, अभिषेक करें, पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पित करें। पूर्णिमा तिथि होने से इस दिन आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कई लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। इस दिन आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही यथासंभव जप करें। भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती करें, भगवान शिव की आरती करें और उसके बाद क्षमा याचना करें भगवान से, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करें, अपने भाई की लंबी आयु की और सुख समृद्धि की मंगल कामना भगवान से करें। इसके बाद दोस्तों, आपको राखी की थाली तैयार करनी चाहिए। दोस्तों, राखी की थाली में कम से कम 5 चीजों का होना अनिवार्य है, जैसे कि रोड़ी, अक्षत, एक दीपक, भाई की आरती उतारने के लिए राखी तो उसमें रहेगी ही, साथ ही भाई को खिलाने के लिए मिठाई। इसके अलावा दोस्तों, अगर नारियल रखते हैं तो अति शुभ है, क्योंकि इसमें नारियल का प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, कई लोग सरसों भी रखते हैं या फिटकरी रखते हैं भाई की नजर उतारने के लिए।
सर्वप्रथम दोस्तों राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार जरूर करें। हमेशा भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन की रस्म करें। भद्राकाल में रावण की बहन ने उसको राखी बांधा था और परिणाम हम सभी जानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। समय के साथ ही आपको दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन राखी बांधते समय पूर्व पश्चिम दिशा में रहें। जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व की ओर होता है, उसी तरीके से आपको राखी भी बांधनी है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है दोस्तों, कि आप दोनों के सर ढके हुए होने चाहिए। भाई के सर पे एक रुमाल रख दें और बहन को सर पे आंचल या रुमाल रख लेना चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान से मंगल कामना और प्रार्थना करते हुए अपने भाई को टीका लगाएं, अक्षत डालें उनके ऊपर, उनकी आरती उतारें और रक्षा सूत्र बांधें। साथ ही भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़े हैं तो उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें। अगर बहन आपसे बड़ी हैं तो भाई को चाहिए कि उनके पैर छुएं और आशीर्वाद लें। साथ ही इसके बाद भाई को अपनी बहन को कोई भी तोहफा जरूर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो नारियल हमने लिया है, अगर रक्षाबंधन करते समय आप भाई के हाथों में वो नारियल दे दें तो बहुत शुभ है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हाथों में नारियल, अक्षत, पुष्प ये सारी चीजें रखते हैं या सुपारी पान रखते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप हाथों में दे दें तो बहुत ही शुभ है। उसके बाद जो है उस नारियल का आप दान कर दें, पंडित को दे दें या प्रवाहित कर दें। साथ ही अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते वक्त अगर संभव हो तो एक छोटा सा मंत्र बता देती हूँ, इस मंत्र को जरूर दोहराते रहें। यह मंत्र है, ओम एन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, अपनी रक्षा के संकल्प से कभी विचलित मत होना। अगर संस्कृत में ना बोल सके तो इसका भावार्थी आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, धन आगमन के लिए, धन की समस्याओं की समाप्ति के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के हाथों से गुलाबी कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का बांध करके उनसे लेना है। और इसके बाद आपको अपने बहन को जो भी उपहार, दक्षिणा या पैसे आपको उन्हें देने हैं, उनको मिठाई खिलानी है। अगर बहन आपकी बड़ी है तो उनके पैर छू करके आपको आशीर्वाद लेना है। और इस गुलाबी कपड़े में बंधे हुए सारे सामान को आपको इसी प्रकार से अपने घर की तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां पे आपको रख देना है। इस उपाय को करने से तिजोरी आपकी हमेशा भरी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों लड़कियां जो होती हैं, घर की बहनें जो होती हैं, वो माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, और इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही अगर भाई बहनों में मनमुटाव आ रहा हो या भाई बहनों को बहुत क्रोध आता हो, आपस में झगड़े बहुत होते हो, तो आप रक्षाबंधन वाले दिन एक उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि रक्षाबंधन पर हनुमान जी को आपको राखी बांधनी है और हनुमान जी को चोला समर्पित करना है, लड्डू समर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है और भगवान हनुमान से प्रार्थना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कहते हैं इसको करने से भाई बहनों की नाराजगी समाप्त होती है, क्रोध समाप्त होते हैं और प्रेम बढ़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।